उदाहरण तीन, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 360,000 रुपये थी। उसने 20,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 4,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। देय आयकर की गणना कीजिए। यदि आयकर गणना के पूर्व सामान्य भविष्य निधि एवं जीवन बीमा आदि में नियोजित राशि का अधिकतम 1,00,000 रुपये कर मुक्त हो, आयकर की दरें निम्नानुसार हैं। क्रमांक, कर योग्य सीमा, आयकर की दर। पहला, 2,00,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं। दूसरा, 2,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक 10%। तीसरा, 5,01,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक 20%। शिक्षा उपकर देय आयकर का 3% है। हल, शासकीय कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी की कुल वार्षिक आय 360,000 रुपये। एक, सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि। ये राशि जो है 48,000 रुपये है प्रश्न अनुसार। दूसरा, जीवन बीमा में जमा राशि 20,000 रुपये कुल जमा राशि बराबर 48,000 धन 20,000 बराबर, ये हो गई 68,000 रुपये। छूट अधिकतम 1,00,000 रुपये है, अतः 68,000 रुपये पर कर नहीं देना होगा। कर योग्य आय बराबर 360,000 रुपये ऋण 48,000 रुपये बराबर, घटाने पर हमें 360,000 में 48,000 को घटाएंगे 292,000 रुपये। कर योग आय 360,000 ऋण 68,000 बराबर 292,000 रुपये। यहाँ पे कुल जमा राशि 48,000 रुपये धन 20,000 रुपये बराबर 68,000 रुपये। दे आयकर बराबर 292,000 ऋण 2,00,000 का 10%, चूंकि
प्रश्न अनुसार दिया है कि 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं लगता, कोई आयकर नहीं लगता है, तो 2,92,000 में से 2 लाख को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 92,000 का 10% बराबर 9,200 रुपये। शिक्षा उपकर निकालेंगे हम, शिक्षा उपकर ज्ञात करेंगे, शिक्षा उपकर बराबर दे आयकर का, दे आयकर का 3% बराबर 9,000, जो 200 रुपये हमने ज्ञात किया था दे आयकर, 9,200 गुणित 3% का की जगह गुणा 3 और प्रतिशत के स्थान पे बटा 100, और यहाँ पे शून्य को हम काटेंगे ऊपर नीचे 100 से काटेंगे, तो 92 गुणित 3 बराबर 276 रुपये। इस तरह से कुल दे आयकर, कुल दे आयकर बराबर 9,200 रुपये धन 276 रुपये बराबर 9,476 रुपये रुपये। इस तरह से कुल दे आयकर 9,476 रुपये, ये हमारा कुल दे आयकर होगा, यह इस उदाहरण का हल होगा। कुल जमा राशि बराबर 48,000 रुपये, कुल जमा राशि बराबर 48,000 रुपये धन जीवन बीमा की जो राशि है 20,000 रुपये का योग है 68,000 रुपये, छूट अधिकतम 1,00,000 रुपये है, अतः 68,000 रुपये पर कर नहीं देना होगा। कर योग्य आय बराबर 3,60,000, ऋण 68,000 रुपये बराबर 2,92,000 रुपये।